अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भैया, पाकिस्तान से? No. किधर से हैं आप? शक्ल आपकी पाकिस्तानियों की तरह। So me. आप फिनिश हैं? Yo. सीरियसली इधर? नाइस, आपको तो फिनिश भी बड़ी अच्छी आती है। Yo. इसके अलावा आपको कोई लफ्ज आता है यो के अलावा? yeah, ये क्या चीज है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दें। उक्स काक्स कॉल में ये गिनती है जी। वन को उक्सी बोलते हैं, टू को काक्सी बोलते हैं, थ्री को क्या बोलते हैं? कॉल में। ये जी जिशान साहब, इनको तो आप जानते होंगे, वेरी फेमस। जानते हैं आप, मेरे ब्लॉग्स में आते रहे पहले। अच्छा? भी लोग जानते हैं आपको। अच्छा? आप शेखुपुरा से हैं ना? Nope. किधर से हैं? मैं कराची से। कराची से नहीं यार, कराची का एक्सेंट नहीं है ना आपका। शकल तो कराची जैसी। शकल पक्का कराची जैसी। हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जी कौन सा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करें, और जैसा कि आजकल सीजन है, स्टूडेंट्स आएंगे, वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, इंश्योरेंस परचेज करेंगे, तो मेरे ध्यान में था जी आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करूं इंश्योरेंस के बारे में। अक्सर जब जब स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया पाकिस्तान से, तो वो क्या करते हैं कि सस्ती सी कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं उधर से। पाकिस्तान में एक इंश्योरेंस है जो कि मुझे नाम भूल चुका है, 14-15 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस है, जो कि आपके वीज़ा के लिए तो वैलिड है, लेकिन जब आप आएंगे और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई मसला हो जाता है इधर, तो वो इंश्योरेंस क्लेम करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। उसकी बनिस्बत स्विस केयर एक इंश्योरेंस की कंपनी है स्विट्ज़रलैंड से, और स्टूडेंट इंश्योरेंस के काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं उनके। 200 यूरोस वो चार्ज करते हैं फॉर वन होल ईयर, और वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर से काफ़ी लोगों के बड़े बड़े हादसे हुए हैं, और उस इंश्योरेंस ने वो सारे पैसे क्लेम आप कर सकते हैं बड़े आराम से, और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उनका। दूसरी जी सबसे बड़ी वजह जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि अगर तो आप लोकल इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो उसको रिफंड करवाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेट्स सपोज आपने वीज़ा अप्लाई किया और किसी वजह से आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ और आपका डिसीजन नेगेटिव में आ गया, जहाँ पे आपके और पैसे ज़ाया होंगे, वहाँ पे आपके इंश्योरेंस के पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्विस केयर से इंश्योरेंस परचेज करते हैं और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो इन दैट केस यू कैन क्लेम फॉर अ रिफंड। आपको अपना डिसीजन लेटर उन्हें ईमेल करना होता है, और वो आपके 200 यूरोज आपको दोबारा रिफंड कर देंगे। इस लिहाज से ये इंश्योरेंस जो है स्विस केयर की, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक तो ये कि अगर आपको कोई मसला हो जाता है इधर, तो आप पैसे क्लेम कर सकते हैं, और इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा नहीं लगता, तो आप वो पैसे दोबारा उनसे ले सकते हैं। और उनको ये मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद क्लेम किया, अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं है। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में अपने भाई के एडमिशन का बताया था कि मैंने उसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लैपलैंड में एक यूनिवर्सिटी थी रोवानियामी के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली प्रोसेसेस लेट होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कैंसिल कर दिया, और फिर एम्बेसी ने वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो लकीली मैंने स्विस केयर से इंश्योरेंस परचेज की थी, और डिसीजन लेटर आने के 4-5 महीने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार मैं ट्राई करता हूँ स्विस केयर से, और उनसे कहता हूँ कि रिजेक्शन आ गई थी और मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी यूज़ नहीं की। तो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ गेस, और मैं समझ रहा था कि शायद क्योंकि इनकी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, कस्टमर सर्विस बड़ी अच्छी है इनकी, तो जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। उन्होंने मेरे से कहा कि भई आप मुझे डिसीजन लेटर सेंड करें अपने भाई का। मैंने उनको डिसीजन लेटर सेंड किया, और अपना अकाउंट नंबर जिससे मैंने उनको पे किया था वो मैंने उनको सेंड किया, तो विद इन कपल ऑफ वीक्स उन्होंने 200 यूरोस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी जो है जहन में रखनी है, इंश्योरेंस हमेशा जो भी स्टूडेंट आ रहा है स्विस केयर की इंश्योरेंस परचेज करें, इससे आपको दोनों केसेस में फ़ायदा होगा, वीज़ा ना भी लगेगा अगर तो आपके पैसे दोबारा क्लेम हो जाएंगे, और अगर वीज़ा लग जाएगा और खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला हो जाता है, बीमारी, कोई एक्सीडेंट, इस तरह की कोई चीज़, तो आपको आप फुली कवर्ड होते हैं। इस वक्त जी हम लोग इलमाला स्टेशन पे खड़े हैं, उस तरफ वो सामने जो बिल्डिंग आपको पीछे नज़र आ रही है, अगर आपको नज़र आ रही है, तो वो मेरा ऑफिस है पोस्ती का, उसके साथ ही ऑफिस है रेलिक्स का, जहाँ पे जिशान साहब सपोर्ट आईटी सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहे हैं, और ये हमारा रेगुलर का रूट है जी, इधर से हम लोग ट्रेन लेते हैं, और ट्रेन उस तरफ से लेते हैं, और ट्रेन जाती है उस तरफ, तकरीबन 15 मिनट में हम लोग यहाँ से अपने घर सुकून से पहुँच सकते हैं। किधर है यार?
छोटे छोटे से खरगोश के बच्चे हैं जी इधर, प्यारे प्यारे से। वो एक उधर भाग गया है। भागता हुआ बनी वो देखिए वो जा रहे। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ मजीद इस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आने वाली वीडियो तक तो हमें याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।